सारा सामान रखने के लिए बना हुआ ये है। और सोफा तो भाई साहब ना, ऐसा मिरर लगा हुआ है। और ये आप देख सकते, हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी एक नए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में आप लोगों को एक अच्छे रूम, एक लग्जरी रूम को दिखाने वाले हैं। तो गाइस चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस ये है अपना लग्जरी रूम। तो गाइस हम आ चुके हैं रूम में और लाइट्स वगैरह दिखाते हैं अभी। तो गाइस लाइट चला रहे हैं। तो भाई साहब देख सकते हो कितनी कितना अच्छा रूम है। तो गाइस देख सकते हो, और भी लाइटें हैं। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को रूम। अच्छा रूम है एकदम। मतलब इस रूम में घुसने ना बाद मजा आ जाता था भाई। जिस रूम में घुसने के बाद ना काफी मजा आ जाता था। तो भाई चलिए और अभी इसका जो मेन रूम है उसको दिखाते हैं आप लोगों को। और ये हम आ गए हैं मेन रूम में और इसकी लाइट्स ऑन कर लेते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, अच्छा सा मिरर लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हो पूरा सिस्टम है। ये एक फ्रिज रखा हुआ है। और भाई साहब ये टीवी देख सकते हो, टीवी है कितनी बड़ी। और ये अपने लिए एक साउंड है, साउंड में अभी मैं गाना बजा रहा था, काफ़ी अच्छा है। और इधर देख सकते हो पूरा सामान रखा हुआ है। और ये जो छोटी, ये देख सकते हो एक सोफ़ा लगा हुआ है, एक छोटी छोटी जो लाइटें जल रही है ना, काफ़ी अच्छी हैं। और भाई साहब ये देख सकते हो रिमोट है, और ये एसी लगी हुई है, और ये सब पूरी लाइटें वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा। मतलब एकदम लग्जरी रूम है भाई। इसका बेड देख सकते हो ना, बेड बेड की बात करो ना, कितना मस्त है, एकदम एक नंबर है भाई। रूम जहाँ भैया रहते हैं, भैया के घर में ही है, तो फिर ग्राउंड वाले फ्लोर पे, वो बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त है गाइस। तो आप लोग देखिए और बताइए कैसा है। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ रूम को। ये आप देख सकते हो कैसे लगी हुई हैं छोटी छोटी मूर्तियाँ, और ये लाइटें वगैरह, इसमें भी एक घड़ी लगी हुई है, इसमें छोटी सी मूर्तियाँ। और ये आपका भाई है, आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा है। तो कैसा लग रहा हूँ गाइस? गाइस बताइएगा आप लोग कि मैं कैसा लग रहा हूँ अभी जो है। अभी मैं हूँ इस रूम में और आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा रूम है, काफी एकदम। और गाना जो बजता है बहुत ही अच्छा, गाना बजा के आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे बजता है। वो आ गया हूँ नीचे, और पता है आज मैं ब्रश नहीं ले आया था आपकी बार। तो चलते हैं गाइस, एक दातुन तोड़ के ले आएंगे नीम की, क्योंकि नीम की दातुन करना बहुत अच्छा है, और हम गांव वाले हैं तो थोड़ा सा नीम की दातुन तो कर ही सकते हैं। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं, और उसके पहले हम आ गए हैं नीचे और लॉक को खोल लेते हैं। यहाँ पे लगा हुआ लॉक, इस लॉक को खोल के इसलिए। इधर है नीम का पेड़, और तोड़ के आते हैं एक दातून। तो
अच्छा ये है नीम का पेड़, और यहाँ से हम तोड़ लेते हैं दातून। देख ले पहले कौन सी दातून सही है। तो गाइस फाइनली हमने अपने लिए एक दातून तोड़ ली है, और चलते हैं छत पे और बढ़िया दातून करते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद छत पे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं छत पे, और अभी चलते हैं दातून करते हैं। दातून ये है, फोन को कहीं पे लगा लेते हैं उसके बाद। Like a fever taking over, it's burning. बढ़िया ब्रश वगैरह जान लो हो ही गया दातून से। पता दातून से अभी शहर में रह के ना गांव वाले जो है दातून देखेंगे ना तो कहेंगे कि यार दातून करते हो, पर दातून का जो मज़ा है ना, दांत बिल्कुल सेफ रहने वाले, क्योंकि सुबह ही दांतों को थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है और काफ़ी अच्छा रहता है, इससे मसूड़े वगैरह कटते नहीं है। तो आपको जब भी मौका मिले तो आप दातून जरूर करना। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाय हाय इतना सुकून। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 8, और आप लोग को पता होगा मैं गुड़गांव गया था। अभी गुड़गांव से अभी जस्ट आ रहा हूँ, और रूम की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। दिन में टाइम बिल्कुल नहीं मिला, मैं हुड्डा पे था तो थोड़ा सा आप लोग को दिखाया था। अभी मैं आ गया हूँ रूम पे, दिन भर ड्यूटी पे था, काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो गया, क्योंकि कल भी घूमने गया था और आज दिन भर मैं पूरा काम किया हूँ। अभी जो है 8 बजे रात को आया हूँ सब्जी वगैरह लेके, बट पता है मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, इतना ज़्यादा थकान लग रही है। और रूम की हालत हमारे जो है हो रखी है थोड़ा सा कुछ ऐसे, ये सामान वामान पड़ा हुआ है। अभी ये मेरे कपड़े हैं, अभी मैंने बैग्स निकाले हैं, और आप लोग ये देख सकते हो भाई ना, पता है अच्छा नहीं लगता रूम में, इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा भरा रहता है तो मज़ा नहीं आता गाइस। तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा साफ सफाई कर लूँ, और एक चीज़ और सोच रहा हूँ, अभी खाना भी बनाना है तो चलते हैं, थोड़ा सा पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद साफ सफाई करते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।